हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाएं लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले देखने के लिए। फिल्म पद्मावत को लेकर हुए भारी हंगामे के बाद फिल्म के डायरेक्टर संजय लीला भंसाली के लिए एक खुशखबरी है। करणी सेना ने ऐलान किया है कि वह अब फिल्म का विरोध नहीं करेंगे। इस बात का हवाला उन्होंने एक चिट्ठी के माध्यम से दिया है। आपको बता दें कि फिल्म करणी सेना के भारी विरोध प्रदर्शन के बीच 25 जनवरी को सिनेमाघरों में लगी थी, लेकिन दर्शकों को यह फिल्म बेहद पसंद आई और उन्होंने यह भी कहा कि फिल्म में जिस बात को लेकर विरोध किया जा रहा है ऐसा फिल्म में कुछ भी देखने को नहीं मिला। वहीं श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना महाराष्ट्र के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष योगेंद्र सिंह कटार ने चिट्ठी में यह खुलासा किया है कि उन्होंने फिल्म पद्मावत 2 फरवरी को देख ली है। फिल्म देखने के बाद उन्होंने कहा कि मां पद्मावती के किरदार को बेहद खूबसूरती से उतारा गया है। इतना ही नहीं, फिल्म में रानी पद्मावती की महानता को भी दर्शाया गया है। योगेंद्र सिंह कटार ने यह भी साफ किया कि फिल्म में रानी पद्मावती और अलाउद्दीन के बीच किसी भी तरह का कोई सीन नहीं है और ऐसा कुछ नहीं है जो राजपूत समाज के इतिहास और भावनाओं को ठेस पहुँचाए। फिल्म पर संतुष्टता जाहिर करते हुए उन्होंने आंदोलन वापस लेने की मांग की है। बता दें कि योगेंद्र ने इस बात का आश्वासन भी दिया है कि फिल्म को राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार और गुजरात में रिलीज करने में सहयोग करेंगे। बहरहाल फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर भारी हंगामे के बीच 150 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है।